नंबर टू को गिरफ्तार कर लिया, नंबर थ्री को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। आम आदमी पार्टी या यूं कहिए कि अरविंद केजरीवाल की चुनावों को लेकर रणनीति साफ है। ये इसलिए क्योंकि ये पार्टी वन मैन शो है। पार्टी में जो भी चलती है वो केजरीवाल की ही चलती है। इस पार्टी में दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया नजर आते थे, लेकिन शराब घोटाले में उनके लंबे समय के लिए नब जाने के बाद अब केजरीवाल का कहा ही पार्टी का ब्रह्म वाक्य है। ये बात अलग है कि इसी घोटाले में अब केजरीवाल का भी नाम लिया जा रहा है और गिरफ्तारी की तलवार उनके सिर पर भी लटक सकती है। भगवंत मान कहने को पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी डोर भी राघव चड्ढा के जरिए केजरीवाल के हाथों में ही है। हाँ, तो अब फिर लौटते हैं देश के राज्यों में चुनावों को लेकर केजरीवाल की रणनीति पर। ये रणनीति है जिन जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, वहाँ तीसरे विकल्प के तौर पर जनता के सामने आपको पेश किया जाए। यहाँ जितने कार्यकर्ता आए हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को सरकार जरूर बनेगी, मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार जरूर बनेगी, झाड़ू से जरूर सफाई होगी। दिल्ली में कांग्रेस को हाशिए पर खिसकाने के बाद केजरीवाल को इस रणनीति का फायदा पंजाब में मिला। पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ भगवा पार्टी के बरसों सहयोगी रहे शिरोमणि अकाली दल बादल को भी धूल चटाकर आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर कब्जा किया। आपने दिसंबर में गुजरात विधानसभा का चुनाव भी पूरी धमक के साथ लड़ा। हालांकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 182 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 5 सीटों पर ही कामयाबी मिल सकी, लेकिन उसने कुल वोटों में से 12.92% वोट हासिल किए। साथ ही उसके चुनाव में उतरने से कांग्रेस की सीटें 2017 चुनाव की 77 सीटों की तुलना में घटकर मात्र 17 ही रह गईं। इसी रणनीति के तहत केजरीवाल ने इस साल होने जा रहे चुनावों में राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इन चारों राज्यों में मोटे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला है। केजरीवाल की पार्टी का खास तौर पर राजस्थान में प्रदर्शन गौर करने काबिल होगा। यहाँ अभी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरह तनातनी है, ऐसी ही कुछ कांग्रेस नेताओं में पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, जिसका भरपूर लाभ केजरीवाल की पार्टी ने वहाँ उठाया और बम्पर बहुमत से सत्ता में आई। पंजाब सरकार में जितने कच्चे मुलाजिम थे सारे पक्के कर दिए इन्होंने, अब राजस्थान में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बेशक राजस्थान पंजाब नहीं है, लेकिन केजरीवाल कांग्रेस का खेल उसी तर्ज पर बिगाड़ सकते हैं जैसा कि उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में किया। कांग्रेस को दीवार पर लिखी इस इबारत को पढ़ना चाहिए कि उसे बीजेपी से टक्कर लेने के साथ केजरीवाल की पॉलिटिक्स से निपटने की भी ठोस रणनीति बनानी होगी, नहीं तो कमोवेश गुजरात जैसे ही नतीजे सामने आएंगे। देश दाबा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।